मथुरा जिला मुख्यालय पर घोषित धरना स्थल पर ग्राम चचरा के वार्ड नंबर 21 पर एक परिवार धरने पर बैठ गया। जी हां, बता दें राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व मुख्यालय पर धरने पर बैठा किसान परिवार। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताना चाहेंगे, जब आवाज न्यूज टीम जब प्रीतम सिंह पुत्र हीरालाल निवासी छलोरा के पास पहुंची तो उसने बताया कि सन 2000 में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण होने जाने के बाद भी उसे आज तक उसे खसरा नंबर पर चकबंदी विभाग एवं राजस्व विभाग कब्जा नहीं करवा पा रहा। उसके द्वारा कई बार शिकायत दी गई, प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? छरौरा। क्या समस्या है? समस्या यह है कि मेरे गांव में 2000 के लगभग चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, धारा 52 लग चुकी थी। धारा 52 लगने के बाद में आज 2022 तक मुझे जो चक बनाए गए उन पर मुझे कब्जा परिवर्तन नहीं मिला है। अब तक आपने क्या कार्रवाई की इसमें? अब तक मैंने बहुत सारी के एप्लीकेशन दे दी, 2012 से लेकर के कम से कम 50 एप्लीकेशन मैं दे चुका हूँ। ये आपने आमरण अनशन पे आज क्यों बैठे हैं यहाँ? इसीलिए कि जब ये वो चकबंदी विभाग तहसील विभाग को कहता है, तहसील विभाग चकबंदी विभाग को कहता है, इसलिए मैं परेशान हो गया। 4 साल से ये मेरे जा रहे हैं, काम कोई करके आते नहीं है, इसलिए मैं आज अनशन पर आया।